शहर के पान मसाला व्यवसायी गोविंद जोलिया की हत्या के विरोध में व्यवसाय संगठन सड़क पर उतर गए। दुकानों को बंद कराया गया। दुकानदारों से आग्रह किया गया कि इस बंदी को सफल कराने में समर्थन करें। दुकानदार भी बिना किसी विरोध के दुकान को बंद कर दिया। हालांकि मेन मार्केट की अधिकांश दुकानें सुबह से बंद रही, क्योंकि चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल पोद्दार ने पहले से ही शहर बंद का आह्वान कर रखा था। पुलिस को दिया 3 दिन का अल्टीमेटम आज समाप्त हो गया। व्यवसायियों में इस हत्या के खिलाफ भारी आक्रोश है। जिला पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस बंद को सफल बनाने के लिए कांग्रेस और राजद समेत कई दलों का समर्थन भी व्यवसायियों को मिला है। सुबह 11 बजे से आरजेडी कार्यकर्ता वसीम अहमद मुन्ना, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार समेत सैकड़ों लोग पुलिस प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरकर नारेबाजी करने लगे। शहर का मुख्य बाजार सुबह से बंद रहा, जिसमें सूतापट्टी, सोनरपट्टी, कंपनी बाग, सरैयागंज, गोला रोड और मोती झील बाजार पूरी तरह से बंद रहा। घटना से आक्रोशित व्यवसायी सड़क पर उतरकर पुलिस प्रशासन हाय हाय का नारा लगाया। सरैयागंज टावर पर आक्रोशित लोग प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया, फिर यहीं से मार्केट में घूम घूम कर नारेबाजी कर। कुछ व्यवसायी काला झंडा लेकर पुलिस को आईना दिखा रहे थे। जो गोविंद जड़ोदिया जी की जो है जो हत्या हुई, इन हत्या के पीछे अभी तक उनकी हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होना, ये सरकार और जिला प्रशासन को मुजफ्फरपुर वासियों के घेरे में लेने का कार्य करती है। इसलिए कि जब लगभग 1 सप्ताह होने जा रहा है और अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं, ये बहुत बड़ा जो दुर्भाग्य है मुजफ्फरपुर वासियों के लिए। इसलिए कि ये व्यापारी हम लोग बहुत इनको बचपन से देखे हैं, जो इनका व्यापार करने का ढंग था, जिनका इनके मुंह पर हमेशा हंसी हमेशा खुशी, और इतने मासूम व्यापारियों की हत्या कर देना और उसके बाद अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा उनकी गिरफ्तारी नहीं करना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और ये जिला, और हम तो कहते हैं नीतीश सरकार को इस मामले में अविलंब अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जिला प्रशासन इनका, शासन भी इनका, राज भी इनका और कुर्सी भी इनका। गोविंद रोलिया का उनके दरवाजे पर जो पान व्यवसायी है उनका अपराधियों के द्वारा मर्डर कर दिया जाता है, लेकिन आज तक 5 दिन 6 दिन बीत गया है लेकिन अपराधी गिरफ्तार नहीं हो पाई है। ये सरकार जो है निकम्मी सरकार है, इस सरकार में न व्यवसायी और ना ही नौजवान, न पुलिस, कोई वर्ग चाहे किसान, कोई सुरक्षित नहीं है। आज 20 तारीख के दिन गोविंद डोलिया की हत्या उनके घर के ही सामने कर दी गई थी अपराधियों के द्वारा। पुलिस प्रशासन, मुजफ्फरपुर पुलिस प्रशासन के लिए खास करके कहना चाहूँगा कि पूरी मुस्तैदी के साथ वो लगी हुई है, हमें विश्वास है कि जल्द से जल्द उद्भेदन होगा। और मुजफ्फरपुर शहर में आए दिन अपराध बढ़ रहा है, व्यवसायी गोलियों से भूने जा रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर विषय है। पूरे समाज में इस विषय को लेकर काफी आक्रोश और तनाव है, इसलिए भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट प्रतिष्ठित व्यवसायी गोविंद के हत्यारों को गिरफ्तार करने एवं अन्य मांगों को लेकर आज सड़क पर उतरा है। जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट अपना लड़ाई जारी रखेगा। इसी सवाल को लेकर हम लोग आज